देखो बच्चे ध्यान दो, अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ एक्स और ये है टू एक्स टू मॉड एक्स माइनस वन, दूसरा फंक्शन मान लो जी एक्स है और ये है एक्स प्लस वन एक्स लेसर इक्वल टू वन थ्री माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन वन, मान लो ऐसे करके ये फंक्शन है, ठीक। अब हमें इन दोनों का कंपोजिशन निकालना है, मान लो हमें ये चाहिए एफ कंपोजिशन जी, मान लो चाहिए है, ध्यान दो एफ कंपोजिशन जी हमको चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो यहां पर एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स क्या हो गया, जी ब्रैकेट एफ ब्रैकेट एक्स, ध्यान दो है ना, जी ब्रैकेट एफ ब्रैकेट एक्स। देखो क्या करना है, एक्स की जगह पर एफ एक्स रखो हर जगह है ना, जी ब्रैकेट एफ ब्रैकेट एक्स, देखो क्या करना है, एक्स की जगह पर हर जगह एफ एक्स रख दो। देखो क्या हो गया, ये हो गया एफ एक्स प्लस वन एफ एक्स लेसर इक्वल टू वन थ्री माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन वन, ध्यान दो है ना, एक्स की प्लेस पर देखो एफ एक्स रख दिया हर जगह, ध्यान दो है ना, जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या रख दिया बोलो एफ एक्स, यहां भी एफ एक्स यहां भी एफ एक्स यहां भी एफ एक्स यहां भी हर जगह एफ एक्स रख दिया, तो हमें जी ऑफ एफ एक्स देखो मिल गया, ध्यान दो कुछ नहीं किया है ना, एक्स की प्लेस पर एफ एक्स हर जगह रख दिया, ध्यान दो। देखो अब एफ एक्स की अपनी वैल्यू है उसको रखो, एफ एक्स की देखो ये वैल्यू इसको रखो तो क्या हुआ, टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस वन, एफ एक्स की वैल्यू क्या है देखो टू मॉड एक्स माइनस वन लेसर इक्वल टू वन थ्री माइनस एफ एक्स, देखो एफ एक्स ये है टू मॉड एक्स माइनस वन और देखो ये टू मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन, ऐसे करके देखो है ना, एफ एक्स की वैल्यू को रखा हर जगह, यहां भी देखो रखा और यहां भी देखो रखा है ना, एफ एक्स की देखो जो वैल्यू है टू मॉड एक्स माइनस वन, एफ एक्स की वैल्यू को हर जगह देखो हमने यहां पर रखा, ध्यान दो। अब देखो ये कैंसिल हो गया, देखो अब हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, देखो कैसे, ये हो गया टू मॉड एक्स, इसको उधर ले गए तो हो जाएगा देखो क्या, इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर ले अलग से, इसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा देखो, टू मॉड एक्स लेसर इक्वल टू टू तो मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन, ठीक ऐसा कर सकते, तो मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन, यहां पर देखो सिंप्लीफाई करो क्या होगा देखो, फोर माइनस टू मॉड एक्स है ना, देखो ये क्या हो जाएगा फोर माइनस टू मॉड एक्स, और इसको देखो अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा देखो, टू मॉड एक्स ग्रेटर देन टू तो मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, ये हो गया क्या बोलो मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, ध्यान दो ठीक, मॉड एक्स लेसर इक्वल टू, अब देखो ध्यान दो इसको चाहे तो हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैसे, जैसे मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन का मतलब क्या, इसका मतलब एक्स होगा माइनस वन से वन तक, बताया था मैंने आपको फॉर्मूला मॉड एक्स लेसर इक्वल टू के, याद रखो मॉड एक्स लेसर इक्वल टू के एक्स फ्रॉम माइनस के टू के, ये बताया था मैंने आपको कि मॉड एक्स लेसर इक्वल टू के का मतलब एक्स फ्रॉम माइनस के टू के, और मॉड एक्स ग्रेटर देन के का मतलब एक्स लेस देन माइनस के या एक्स ग्रेटर देन के, देखो इसको भी लिख सकते हैं क्या, एक्स लेस देन माइनस वन या एक्स ग्रेटर देन वन, एक ही बात है, इसको लिख सकते हैं इसे। अब देखो यहां पर ध्यान दूं, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स भी हो सकती है माइनस एक्स भी हो सकती है, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ देखो ऐसे क्या हो रहा, देखो यहां पर एक्स माइनस वन से वन तक है, तो एक बार एक्स को ले लो जीरो टू वन, क्योंकि माइनस वन टू वन का मतलब जीरो टू वन,
और एक बार x को ले लो माइनस वन टू जीरो, दो पार्ट्स में तोड़ दो। इस वाले x को दो भागों में तोड़ दिया, एक बार जीरो से वन लिया और एक बार लिया माइनस वन से जीरो। देखो अगर जीरो से वन लिया, जीरो से वन का मतलब पॉजिटिव, तो ये टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स, और इसका मतलब निगेटिव तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। ध्यान दो, अगर हमने जीरो से वन लिया, अगर हमने x को जीरो से वन लिया, इसका मतलब x पॉजिटिव तो मॉड x क्या हो जाएगा, x, और अगर हमने माइनस वन से जीरो लिया, इसका मतलब x नेगेटिव, तो मॉड x क्या हो जाएगा, बोलो माइनस x हो जाएगा। ध्यान दो यहां पर, देखो मॉड x लेस देन वन, तो एक बार x ग्रेटर देन वन है, एक बार x ग्रेटर देन वन है, x ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू एक्स। हमने पढ़ा ना कि अगर x पॉजिटिव तो मॉड x x के बराबर, देखो ये हमने पढ़ा है मॉड x की वैल्यू x अगर x पॉजिटिव और माइनस x अगर x नेगेटिव। ध्यान दो ठीक, तो वही यहां कर रहे हैं, देखो x ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉजिटिव है तो ये x हो गया, और x लेस देन माइनस वन का मतलब मॉड x की वैल्यू माइनस x, तो क्या हो गया, 4 प्लस 2x। ध्यान दो ऐसे करके देखो हो गया ये। तो इसको देखो हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान दो क्या किया, देखो इसके दो पार्ट्स, देखो ऐसे ये था अलग से, ध्यान दो ठीक है, पहले यहां से यहां पर आए, एफ एक्स की वैल्यू को रखा, इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई किया अलग से, मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन, इसको सिंप्लीफाई किया मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन इसकी जगह पर लिख दिया, और इसकी जगह पर लिख दिया मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन का मतलब एक्स फ्रॉम माइनस वन टू वन, और मॉड एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब एक्स माइनस वन से कम या वन से ज्यादा। अब देखो x अगर माइनस वन से वन तक है तो इसके दो पार्ट होगा, जीरो टू वन और माइनस वन टू जीरो, तो जीरो टू वन में मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, और माइनस वन से जीरो में मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी। यहां पर भी देखो अगर x वन से ज्यादा हुआ मतलब पॉजिटिव, तो मॉड x हो जाएगा, मॉड x की जगह x हो जाएगा, और x लेस देन माइनस वन का मतलब मॉड x की वैल्यू माइनस x, तो फोर प्लस टू एक्स हो जाएगा। तो फाइनली देखो ऐसा आंसर आया। तो इस टाइप के सवाल भी देखो हमारे सामने आ सकते हैं कि इसमें एक फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है और एक अकेला डिफाइन है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक बात है, लिखो इसको ध्यान से। अब देखो इसी में दूसरा वाला कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं, ये जो हम लोगों ने निकाला है, देखो ये निकाला है एफ कंपोजिशन जी, अब इसी में देखो हम जी कंपोजिशन एफ भी निकाल सकते हैं, ध्यान दो देखो इसी में हम लोग जी कंपोजिशन एफ भी निकाल सकते हैं, ध्यान दो ठीक है। देखो फिर वही तरीका होगा, देखो क्या हुआ, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ब्रैकेट जी ब्रैकेट एक्स, ध्यान दो ठीक। अब देखो इसमें भी वही तरीका है, जैसे हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, देखो 2 mod gx minus 1, है ना, x की जगह पर gx रख दो, है ना, x की जगह पर gx रख दो, देखो ये हो गया 2 mod gx minus 1, ध्यान दो, है ना, x की जगह पर gx रख दो, f of g of x चाहिए, x की जगह पर gx रख दो, रख दिया। अब देखो जी एक्स की अपनी खुद की भी वैल्यू है, उसको लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं। देखो सबसे पहले देखो 2 मॉड जी एक्स है ना, जी एक्स देखो क्या है, एक्स प्लस वन और माइनस वन, तो जी एक्स की पहली वाली वैल्यू रखो, लेकिन इस कंडीशन के साथ में एक्स लेसर इक्वल टू वन, जी एक्स की दूसरी वाली वैल्यू रखो,
टू मॉड थ्री माइनस एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन वन, ध्यान दो है ना। जी एक्स की पहली वैल्यू रखी एक्स प्लस वन, ठीक, लेकिन इसकी कंडीशन ये है, उसको भी लिखा। जी एक्स की देखो दूसरी वैल्यू रखी थ्री माइनस एक्स, और उसकी अपनी देखो कंडीशन है, उसको भी यहां पर हमने लिखा है ना। टू मॉड जी एक्स, जी एक्स की पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू उनकी अपनी अपनी कंडीशन, उनको लिखा। देखो ध्यान दो, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, जैसे इसको डिफाइन करना है, अब मॉड एक्स प्लस वन को डिफाइन करना। अब देखो मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, इसकी डेफिनेशन, ये एक्स प्लस वन होगा अगर एक्स प्लस वन पॉजिटिव, और ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन होगा अगर एक्स प्लस वन निगेटिव, ध्यान दो, ठीक। एक्स प्लस वही कंडीशन, मॉड एक्स बराबर एक्स अगर एक्स पॉजिटिव, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स अगर एक्स निगेटिव, जो मॉड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। देखो इसका मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन, ये क्या हो गया माइनस एक्स माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन, ये एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन, ये आ गया। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, जब हम लेसर इक्वल टू वन कर रहे हैं तो लेसर इक्वल टू वन में ये दो कंडीशन हो गई, क्योंकि देखो हमें माइनस वन पर ब्रेक करना है, तो देखो इससे दो कंडीशन मिलेगी, एक मिलेगी क्या माइनस वन से लेकर के वन तक, और दूसरी मिलेगी लेस देन माइनस वन। इसी से देखो दो कंडीशन आ जाएंगी, क्योंकि जब हम वन के पीछे जाएंगे ध्यान दो तो माइनस वन आएगा, जब हम लेस देन वन पर जाएंगे तो माइनस वन आएगा, तो जैसे ही माइनस वन आएगा तो दो कंडीशन बन गई, एक माइनस वन से ज्यादा, एक माइनस वन से कम, है ना। माइनस वन से ज्यादा का मतलब माइनस वन से वन तक, और माइनस वन से कम, देखो ये कंडीशन यहां पर आ गई, ध्यान दो, ठीक। तो इसके दो पार्ट्स हो गए पहले वाले के, एक में वैल्यू ये आ जाएगी, एक में देखो वैल्यू ये आ जाएगी, ध्यान दो, दो पार्ट्स इसके हो गए, ठीक है, बात समझ आ गई। बोलो फिर समझो ध्यान से, एक्चुअली एक्स लेस देन वन लेना है तो क्या होगा, देखो जैसे हम वन ले रहे हैं, इसके पीछे माइनस वन होगा, हालांकि जीरो भी होगा, जीरो से मतलब नहीं है, तो जब हम वन के पीछे चलेंगे देखो तो दो पार्ट में ब्रेक होगा सवाल, एक होगा माइनस वन से वन के बीच में, और एक देखो होगा माइनस वन से कम, क्योंकि जब हमें वन के पीछे जाना है देखो तो वन के पीछे माइनस वन आएगा, माइनस वन आते ही दो भागों में टूट जाएगा ये, तो एक पार्ट हो गया माइनस वन और वन के बीच का, और एक पार्ट हो गया माइनस वन से कम, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को माइनस वन पर बदल रहा है, इसलिए दो पार्ट में ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को देखो चेंज कर रहा है, ग्रेटर देन माइनस वन पर ये है, और लेस देन माइनस वन पर देखो इसकी ये वैल्यू है, तो इसलिए माइनस वन टू वन एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट हो गया माइनस वन से लेस वाला, दो पार्ट में हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो देखो ये क्या है, ये है मॉड थ्री माइनस एक्स, है ना, मॉड थ्री माइनस एक्स, मॉड थ्री माइनस एक्स या मॉड एक्स माइनस थ्री, बात बराबर है, इसको मॉड एक्स माइनस थ्री भी लिख सकते, बताया था मैंने आपको कि मॉड के अंदर साइन मैटर नहीं करता, मॉड ए माइनस बी मॉड बी माइनस ए बराबर है, जैसे मॉड ऑफ माइनस एक्स या मॉड ऑफ प्लस एक्स बराबर है, जैसे मॉड ऑफ माइनस टू या मॉड ऑफ प्लस टू बराबर है, मॉड के अंदर का साइन मैटर नहीं करता, ध्यान दो। तो देखो यहां पर क्या होगा, जैसे हमने कहा कि मॉड ऑफ थ्री माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसके देखो फिर दो पार्ट हो गए, है ना, क्या क्या आप लोगों पार्ट हो गए, एक पार्ट देखो इसका हो गया एक्स माइनस थ्री अगर एक्स थ्री से ज्यादा, और एक पार्ट हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री अगर एक्स थ्री से लेस, बिल्कुल ऐसे ही देखो, ऐसे करना पड़ेगा इसको भी, ठीक। एक बार इसकी वैल्यू एक्स माइनस थ्री अगर एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव का मतलब एक्स थ्री से ग्रेटर, और एक बार माइनस ऑफ दिस अगर एक्स माइनस थ्री निगेटिव यानी एक्स थ्री से लेस। तो देखो जब हम वन के आगे जा रहे हैं, वन के आगे, तो फिर देखो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक पार्ट देखो हो जाएगा वन से लेकर के थ्री तक,
और देखो दूसरा पार्ट हो जाएगा क्या, ग्रेटर इक्वल टू थ्री। देखो ग्रेटर देन वन के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया वन से थ्री तक और दूसरा ग्रेटर इक्वल टू थ्री। तो देखो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो इससे दो कंडीशन बनी, देखो एक बना एक्स लेस देन माइनस वन, एक बन गया माइनस वन और वन के बीच में। ध्यान दो सब बच्चे, ठीक। अब देखो इससे दो कंडीशन बनी, एक बन गया वन से लेकर के थ्री तक और एक हो गया ग्रेटर इक्वल टू थ्री। देखो इससे दो कंडीशन बनी, माइनस वन टू वन और लेस देन माइनस वन, अलग अलग लिखा। इससे दो बनी, वन से थ्री और ग्रेटर इक्वल टू थ्री। अब देखो ध्यान दो, जैसे ही आपने लेस देन माइनस वन लिया, देखो ये वाला केस आया, तो क्या हुआ, देखो इसकी जगह पर ये वैल्यू आ गई टू, इसकी जगह देखो ये आ गया क्या माइनस एक्स माइनस वन, और देखो ये माइनस वन अलग से एक्स लेस देन माइनस वन, देखो ये इसकी ये वैल्यू आ गई माइनस एक्स माइनस वन, ठीक। देखो दूसरे केस में माइनस वन से वन, माइनस वन से वन का मतलब एक्स माइनस वन से ग्रेटर है, तो देखो इसकी ये वैल्यू आ गई क्या टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस वन, है ना। एक्स को अगर माइनस वन से कम लिया, अगर एक्स को माइनस वन से कम लिया, देखो इसकी ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह पर ये लिख दिया एक्स को माइनस वन से ग्रेटर लिया, तो देखो इसकी ये वैल्यू आ गई, इसको ये लिया। अब देखो वन थ्री के बीच में एक्स वन से ग्रेटर, देखो एक्स वन से ग्रेटर, x जब 1 से ग्रेटर और लेस देन 3, देखो लेस देन 3 पर इसकी वैल्यू ये, तो देखो इसकी एक वैल्यू ये आ गई, है ना, 2 ब्रैकेट में इसकी जगह पर देखो क्या लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ x माइनस 3 और माइनस 1। देखो ये वाली कंडीशन, ये और ये ऐसे, क्योंकि x देखो 3 से लेस है, जब x 3 से लेस है तो इसकी प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इसकी प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि x 3 से लेस है, ये वाला केस है। अच्छा अब देखो x 3 से ग्रेटर है, तो ये वाली देखो वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगा, देखो 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 और माइनस 1। देखो इसका ये केस x 3 से ग्रेटर, x 3 से ग्रेटर, देखो तो क्या हुआ, इसकी प्लेस पर देखो ये वैल्यू आ गई x माइनस 3, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। देखो अब यहां पर चार आंसर हमारे आ गए, इन सबको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये हमारे अलग अलग केसेस बन गए। तो जब कोई फंक्शन दो तरीके से डिफाइन होता है, थोड़ा ना कि टफ होता है ये खेल, थोड़ा सा ये वाला केस टफ होता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो सब बच्चे इसको ट्राई करें और एक बार बिना देखे ट्राई करें, जहां पर फंसे वहां पर फिर देखे हमने कैसे कराया था। कुछ नहीं है, केसेस बनाने हैं, है ना, ये तो एफ ऑफ जी एस की वैल्यू को रख दिया, फिर जी एस की वैल्यू, अब यहाँ पर दो केसेस बनाने हैं, क्योंकि ये मॉडुलस अपनी वैल्यू बदलेंगे, कहाँ पर बदलेंगे, ये मॉडुलस वैल्यू बदलेगा माइनस वन पर और ये मॉडुलस वैल्यू बदलेगा थ्री पर, तो माइनस वन के लेफ्ट और राइट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसी प्रकार थ्री के लेफ्ट और राइट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पर हमको रखनी पड़ेगी। नोट करो सब बच्चे ध्यान से जरा,